दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गिल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलामर्स करता है। आज का शो मेरा है 357, और शो का टॉपिक है हम तारीकी में ही थे। हम तारीकी में थे क्योंकि जो अभी हवाला पढ़ूंगा मैं, उस हवाले से ये जो टॉपिक लिया है, तो आज का जो हवाला है वो इफ्सियों का खत, उसका 5 बाब 8 आयत से लेकर 11 आयत तक पढ़ूंगा। और यूं मरकूम है क्योंकि तुम पहले तारीकी में थे, और यही मेरा टॉपिक है, क्योंकि पहले तुम तारीकी में थे मगर अब खुदावंद के नूर में हो। लेकिन अब खुदावंद के नूर में हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। फिर ये दोबारा पढ़ूंगा, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। और जो तजर्बे से मालूम करते रहो और तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो बल्कि उन उन पर मलामत ही किया करो तारीकी के, क्योंकि और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। खुदावंद के आज के जिंदा और मीठे कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो आज का शो जो सब जो मैंने पहले बताया कि हम तारीकी में ही थे, और सबसे पहले जो मैं पोस्ट पढ़ूंगा तफसील तमसील रजवान की, खलूस सच्चा था लोग अच्छे थे, गो तारीकी थी अंधेरा था लेकिन खलूस सच्चा था। आज रोशनी है, नूर हर तरफ घूमता है लेकिन हम तारीकी में चलते हैं, और हमने नूर के साथ चलना है और नूर के फरजंद बनना है, क्योंकि रिश्ते मजबूत थे उस वक्त जब तारीकी थी, रिश्ते मजबूत थे जब मकान कच्चे थे। और उस वक्त हम, मैं अगर दुनियावी तौर पर भी कहूं, रूहानी तौर पर भी कहूं, रूहानी तौर पर तारीकी थी और जिस्मानी तौर पर भी, आज तो हर तरफ बिजली का काम है और भी कई सिलसिले हैं जो रोशनियां ही रोशनियां हैं। उस वक्त तो दिए जलते थे, बत्तियां चलती थी, और वैसे भी नूर की भी तारीकी थी। अब तो हर तरफ कलाम की रोशनी है, बहुत सारियां रोशनियां ही रोशनियां, साइंस ने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन मैं अगर कहूं कि हम रूहानी तौर पर बिल्कुल तारीकी में हैं और हमें इस तारीकी से बाहर निकलना है, और उसी वक्त तक सब कुछ हो सकता है जब हम इस तारीकी से बाहर निकलेंगे। तमसील रजवान की 4 पोस्टें हैं, उसके बाद दूसरी पोस्ट, सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते, बिल्कुल सच्ची बात है। जो हकीकत में, जो सच्चे रिश्ते, जो प्यारे रिश्ते, जो आपको दिल से मोहब्बत करते हैं, वो कुछ नहीं मांगते, कुछ सिला नहीं मांगते। अदरवाइज तो आज का जो दौर है, चूंकि हम वो रोशनी में लेकिन चलते हैं, हम तारीकी में है, हर कोई चाहता है कि मैं, अगर आपके आपने किसी रिश्तेदार से भला कर दिया तो आप एक जो है टीवी पर मीडिया पर कोशिश करते हैं कि मैं ये कहूं कि मैंने अल्फ्रेड गेल की मदद की, मैंने फलाने की मदद की, मैंने फलाने भाई की, मैंने फलाने चाचे की मदद की,
तो फिर ये कैसी रोशनी है, हम तो तारीकी में है। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते स्वाय इज्जत और मोहब्बत के। बिल्कुल, जो सच्चे और अच्छे रिश्ते होते हैं वो कुछ नहीं मांगते, सिर्फ सबसे बड़ी बात वो इज्जत है। अगर हम उन रिश्तों को अच्छी तरह से सच्चे दिल से इज्जत दें तो मोहब्बत तो जाहिर होनी होनी है, क्योंकि जहां इज्जत होगी मोहब्बत भी होगी। तो इसलिए हमने हर एक को सच्चे और अच्छे दिल से इज्जत भी देनी चाहिए और मोहब्बत भी देनी चाहिए। उसके बाद तमसील रजवान की तीसरी पोस्ट है, दौरे हाजर में मयसर हर चीज है। रोशनी क्या दौर है, तारीकी का दौर तो नहीं, लेकिन तारीकी हमारे अंदर है, हम तारीकी में चल रहे हैं। दौरे हाजर में मयसर हर चीज है, लेकिन ढूंढ के लाऊं वो बिछड़े हुए लोगों को। इस अंधेरे में वो बिछड़ गए जो लोग, जिनको हमने इज्जत नहीं दी, जिनको प्यार नहीं दिया, जिनको मोहब्बत नहीं दी, वो हमसे बिछड़ गए। तो जो बिछड़े दुनियावी तौर पर जो बिछड़ गए वो तो मिल सकते हैं, जो हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गए उनकी तो यादें ही हैं हमारे साथ, वो तो सच्ची तारीकी में चले गए, वो तो नूर में चले गए, क्योंकि वो फरदौस में जाएंगे। तो जाहिर है खुदा का वादा कि वो हमारे गुनाहों को माफ करेगा, और सबसे बढ़कर जो उसके बेटे ने हमारे लिए, हमारी गुनाहों की माफी के लिए, हमारी मखलसी के लिए सब कुछ कर दिया, तो फिर हमें तो हर हाल में फरदौस में जगह मिलेगी। लेकिन हिसाब तो होगा, हिसाब किताब के बाद ही सब कुछ क्लियर होगा ना। उसके बाद चौथी पोस्ट है, तनहा रह ले, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। तनहा रह ले मगर अपना वकार मत गराए, मगर अपना वकार मत गराए। इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं। बिल्कुल, मैं जैसे पहले बोला था कि जहां इज्जत होगी मोहब्बत तो होगी, लेकिन इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं। तन्हा रह लें मगर अपना वकार मत गिराएं। और आज के रोशनी के दौर में हम खुदा के पीछे नहीं जाते, हम दुनियावी खुदाओं के पीछे जाते हैं, बड़े बड़े अमीरों के तरफ देखते हैं, हम उनसे उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि शायद ये हमारी जो कोई जरूरत है या कुछ चीज है ये पूरी कर देंगे। हालांकि ये झूठ है, हमने रोशनी के पीछे चलना है, नूर के पीछे चलना है, जहां से हमारी हर दुआ भी सुनी जानी है, हमारी गलतियां गुनाह नहीं माफ होने। तो क्यों नहीं हम तारीकी में छोड़कर हम रोशनी में चले, क्योंकि हम तारीकी में चलते आ रहे हैं। गौर, इतना रोशनी का दौर किसी चीज की कमी नहीं है, पाक कलाम सुनाने वालों की कमी नहीं, एजुकेशन की कमी नहीं, हर तरफ आमदोरफ्त की कमी नहीं, तो फिर भी हम अंधेरे में क्यों चलते हैं? चूंकि हम ईमान में मजबूत नहीं, हम मुंह से तो कहते हैं, रोज इकरार करते हैं, लेकिन अगर हम दिल से इकरार करें और अपने खुदा बाप को इज्जत से और मोहब्बत से देखें तो कितने काम हमारे सीधे हो जाएंगे। हम गिले तो बहुत करते हैं, लेकिन गिले तब भी करें कि हम रोशनी में चलें और खुदा के पाक कलाम की रोशनी में चलें, तो बहुत कुछ, हमारी हर चीज पूरी हो सकती है। उसके बाद उर्दू अदब की एक बहुत अच्छी एक लाइन की पोस्ट है, धोखे ऐसे नहीं मिलते। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी पोस्ट है। धोखे ऐसे नहीं मिलते, भला करना पड़ता है लोगों का। बिल्कुल ठीक बात, आप जिसकी भलाई करेंगे, किसी का फायदा करें, किसी को इज्जत दें, तो जब वो उसको सब कुछ मिल जाएगा, वो अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा, आपने उसको इज्जत भी दिला दी, लोगों का प्यार भी दिला दिया, मोहब्बत भी दिला दी, लोगों से मुतारफ भी करवा दिया। लेकिन जब ये सब कुछ उसको मिल जाएगा,
फिर वो आपको धोखा देगा, फिर आपसे पीछे हटेगा, फिर आपसे बुराइयां करेगा। और यही पोस्ट है कि धोखे ऐसे नहीं मिलते, भला करना पड़ता है लोगों का। चूंकि हम भलाई तो करते हैं, लेकिन जिनकी भलाई करते हैं वो रोशनी में नहीं, वो तारीकी में। वो समझते हैं कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं हासिल किया। अगर वो रोशनी में नहीं जा रहे, अगर वो रोशनी में चले, नूर में चले, तो जरूर अपने जो भी उनके लिए को अच्छा करते हैं, अपने मौसम को कभी ना भूलें और उसको कम से कम कुछ ना दे, इज्जत तो देनी चाहिए। और यही हम हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। उसके बाद शकीला शिफक गुल, बहुत अच्छे शेर दो जो कल मैंने पढ़े थे, कल के परसों। सच तो यह है कि मुझे सच ने डसा है, बिल्कुल सच ने डसा है, क्योंकि हम सच के हवाले से तारीकी में हैं, क्योंकि हम सच को ना समझते हैं, ना सच को बोलते हैं, ना सच सुनते हैं। तो यही शकीला गुल कह रही हैं कि मुझे सच ने डसा है। और बिल्कुल जो लोग सच बोलते हैं उनको सच डसता है, क्योंकि लोग उनसे पीछे हट जाते हैं, क्योंकि लोग तारीकी में जा रहे हैं, रोशनी को वो नहीं सुनते, सच को नहीं सुनते, क्योंकि सच ही सब कुछ है। और आखिर में हमने सच ने ही जीत देनी, झूठ ने तो जो झूठ ने तो हमें मात ही देनी है, और झूठा हमेशा मार ही खाता है, हमेशा हार ही मानता है, और हार माननी पड़ती, क्योंकि सच सच्ची है, क्योंकि खुदा से बड़ा कोई सच नहीं और ना खुदा से बड़ी कोई रोशनी है। इसलिए हमने तारीकी से निकलकर रोशनी में चलना चाहिए। जाहिर इसका मेरी रगों पा में बसा है, इसका जाहिर मेरी, सच का जाहिर मेरी रगों पा में बसा है, हर तरह मेरा शो सच्ची और अच्छी बातें हैं, और मैं अपने शो में हर तरह से कोशिश करता हूं कि सच्ची और अच्छी बातें हों। और जहां से मुझे सच के हवाले से कोई भी पोस्ट मिलती, शायरी मिलती है, बातें मिलती हैं, तो फिर मैं अपने शो में शामिल करता हूं। जैसे शकीला गुल की एक दोस्त, बहुत अच्छी, सच तो यह है कि मुझे सच ने डसा है, जहर उसका मेरी रगोपा में बसा है, झुका है इसके सामने हर झूठा फरेबी, सच के सामने हर झूठा फरेबी झुकता है। वो बहुत टाइम लेता है, झूठ बोलता ही जाता है कि शायद मैं झूठ को सच समझता हूं, लेकिन खुदा तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा की रोशनी में तो सब कुछ नजर आ रहा है, खुदा को तो नजर आ रहा है। अगर दुनियावी तौर पर हम झूठ बोलते जाते हैं तो लोग तो हमारी बातों को सुन लेते हैं, लेकिन जो ऊपर बैठा है वो तो हमारे दिलों गुर्दों को जानता है, और वो हमारे सच को भी जानता है, झूठ को भी जानता है, और वो ये जानता है कि हम तारीकी में चल रहे हैं या रोशनी में चल रहे हैं। झुका इसके सामने हर झूठा आदमी, हर गाम हुई मौत, जो भी इस पे हंसा है, जो भी झूठ पे हंसता है, जो भी सच्चाई पे हंसता है, उसको हर गाम हर जगह पे मात हुई है, शिकस्त हुई है, क्योंकि वो सच्चाई से, सच्चाई हमेशा जीतती है। और इसीलिए हमें तारीके से निकलकर रोशनी में चलना चाहिए, नूर में चलना चाहिए, क्योंकि खुदा नूर है। उसके बाद बेहतरीन उर्दू शायरी तलाश के नाम से, मुझे जिंदगी में कदम कदम पर, मुझे जिंदगी में कदम कदम पर तेरी रजा की तलाश है। जब मुझे जिंदगी में हर कदम कदम पर उसकी रजा की तलाश है, उसकी रोशनी की तलाश है, उसके नूर की तलाश है, तेरे इश्क में आए अल्लाह, क्या बात है, तेरे इश्क में आए अल्लाह, मुझे इंतहा की तलाश, इंतहा की, कि मैं तेरे बिल्कुल इतना इंतहा की बात, वो जैसे दुनिया यार इसने तो इंतहा ही कर दी, तो यहाँ इंतहा,
उस बात की कि मैं इंतहा तक तेरे तक पहुंचू। आए खुदामंद, आए अल्लाह, मैं इंतहा तक तुझे देखना चाहता हूँ, तुझ पर ईमान लाना चाहता हूँ। मैं तेरी रोशनी में तारीकी से निकलकर तेरी रोशनी में चलना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत चांद शहर है। उसके बाद मैं गुनाहों में हूं डूबा, क्या बात, बहुत बड़ा इकरार। और जब हम सब इस बात को इकरार कर लेंगे तो इसका मतलब कि हमने खुदा के सामने तौबा कर ली, हमने खुदा के सामने इतराफ कर लिया और खुदा ने हमारा इतराफ सुन लिया और उसने हमें माफ कर दिया। मैं गुनाहों में हूं डूबा, बहुत बड़ा इकरार। और अगर हम सब इस बात का इकरार करें कि मैं गुनाहों में डूबा हूं, हम सब, क्योंकि जब से भी दुनिया बनी सबसे पहले इब्तदाई गुनाह की हुई, क्या गुनाह था, झूठ, खुदा की नाफरमानी, और वहां से फिर गुनाह चलना शुरू हो गया और गुनाह आज तक बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हुआ। गो खदम दिए मसीह ने, खुदा के बेटे ने हमें अपने निजात याफ्ता लोगों में शामिल कर दिया, लेकिन फिर भी उसकी कुर्बानी को हम जबानी कलामी मानते हैं। अभी तक जो है हम तारीकी में चल रहे हैं। मैं जमीन पर गिरा हूं अपने गुनाहों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, तारीकी में चलने की वजह से मैं जमीन पर गिरा हूं, जो मुझे गुनाहों से बरी करे। कौन कर सकता है बरी? खुदा का नूर, खुदा का बेटा, जो मुझे गुनाहों से बरी करे। मैं इस दुआ की तलाश में हूं और गजल का जो अनुमान है वो तलाश है कि जो मुझे गुनाह में जो बरी करे, कौन बरी कर सकता है? खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूपक। अगर हम पुख्ते दिल से, वो तो बैठा हुआ है हमें माफ करने के लिए, तो वो तो हमें हर वक्त गुनाहों से बरी करने के लिए, एक बार तो उसने बरी कर दिया अपनी जान स्लीप पर देकर, लेकिन फिर भी बार बार वो बैठा है हमारी गलतियों गुनाहों को माफ करने के लिए। और हमें रोशनी की तलाश में रहना चाहिए, तारीकी की तलाश से हमें निकलना चाहिए। मैंने जो किया वो बुरा किया, ये भी इतराफ की बात है। मैंने जो किया, अगर हम सब इस बात को माने, खुदा बाप जी मैंने तेरे खिलाफ जो भी किया बुरा किया, मैंने चोरी की, मैंने झूठ बोला, मैंने गुनाह किए, जो कुछ किया मैंने बुरा किया, तो हम मुंह से तो कह देते हैं, लेकिन अगर दिल से करें तो फिर बात है, फिर रोशनी और नूर हमें मिल सकता है। मैंने जो किया बुरा किया, मैंने खुद को ही तबाह किया, बिल्कुल, क्या बात। मैंने, हम सब ने खुद को कैसे तबाह किया? गुनाहों से। वैसे तो रोशनी है, खाना पीना मिल रहा है, क्योंकि तो उसका वादा है कि बब्बर के बच्चे भूखे रह सकते, मेरी मखलूक नहीं, वो तो देता है, लेकिन मैंने खुद को तबाह किया गुनाह आलूदा जिंदगी में। आजकल के दौर में जबकि रोशनी का दौर है, ये पाक कलाम हमारे पास है, बहुत सारे मुबशर, बहुत सारे मुअल्लम की कमी नहीं है, लेकिन हम अपनी डगर में चलते हैं, हम रोशनी में चलने की कोशिश, क्योंकि शैतान का काम है तारीकी में लेके जाना, क्योंकि वो तारीकी है, खुदा ने उसको नूर से तारीकी में फेंक दिया, और उसके लिए जो जगह बेहिश्त या फिरदौस नहीं, आग, दोजक है, जहन्नम है, तो वो चाहता है कि हमको भी अपने साथ अपना दोस्त बनाए, अपना साथी बनाए, और हमें जो है वो जहन्नम में लेके जाए। बहुत खूबसूरत लिखे हैं जिसने भी ये चंद शेर लिखे, जो तुझे पसंद हो आए अल्लाह, आए खुदा, जो तुझे पसंद हो, मुझे उस अदा की तलाश है। उस अदा की क्या तलाश है? खुदा चाहता है कि तू नूर में चल, तारीकी को छोड़, और तारीकी को छोड़ के नूर की तलाश कर, रोशनी की तलाश कर। मुझे उस अदा की तलाश है जो तारीकी से निकलकर नूर के तरफ जाए, जो गुनाहों की माफी, जहां गुनाहों की माफी है,
जहां पर तुझे पसंद है, जो तुझे उसको तो पसंद है कि हम माफी मांगे, हम नूर के साए में चलें, हम दुनियावी बातों को छोड़कर, शैतानी बातों को छोड़कर, जो हमने तारीकी में लेके जाना चाहता उसको छोड़कर, हम नूर और नूर के बाप की बातों को माने, खुदा बेटे की बातों को माने, इस पाक कलाम की बातों को माने, तो हम उसकी तलाश कर लेंगे। क्यों नहीं कर सकते इस दौर में, जबकि हम बाइबल पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं बहुत कुछ है अब रोशनी के दौर में, तो अगर फिर भी हम तारीकी में रहते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को खुद जहन्नम में लेके जा रहे हैं। मुझे जिंदगी में कदम कदम पर तेरी रजा की तलाश है, खुदा पाप तेरी रजा की तलाश है। तो उसके बाद एक उर्दू गजल की छोटी सी पोज, हर शख्स ये साबित करने में मसरूफ है कि मैं तुमसे बेहतर हूं, इससे बड़ा दे रखे हो कौन सा हो सकता है। और बिल्कुल ये सही बात है, आजकल के दौर में जहां भी हम पहुंचे हुए हैं, मैं ये नहीं कहता सारी दुनिया में, हमारी भी भले छोटी सी कम्युनिटी है पहुंची हुई है, बड़े से बड़े मुल्क छोटे से, लेकिन मैं अकड़ वो उसी तरह है, हर शख्स यह साबित करने में मसरूफ है कि मैं तुमसे बेहतर हूं, मैं मेरे मुझसे बेहतर है, या मैं दूसरे को कहता कि मैं तुमसे बेहतर हूं, तुम क्या चीज, इसका क्या मतलब कि हम तारीकी में है, हम नूर में नहीं, हम रोशनी में नहीं, हमें रोशनी की तलाश चाहिए, खुदा की रोशनी, खुदा के बेटे की, खुदा के नूर की तलाश है, तो हम जरूर खुदा के वारसों में शामिल हो सकते हैं। बहुत खूबसूरत। उसके बाद हैमिल्टन डीन, सवाल मेरे भाई डीन साहब, एच डीन साहब भी कहते हैं, हैमिल्टन डीन है तो इनको बड़ा भाई कहता हूं, बड़े भाई इज्जत तो किसी को भी दे लो तो इज्जत तो मोहब्बत है। तो उन्होंने लिखा है, लोग फेसबुक पर अपने अजीज की मौत की खबर देते हुए लिखते हैं, बहुत खूबसूरत बात लिखी डीन साहब ने, लोग फेसबुक पर अपने अजीज की मौत की खबर देते हुए लिखते हैं कि बहुत दुख के साथ इतला दी जाती है कि मेरा अजीज खुदामंद यीशु मसीह में सो गया है। और खुदामंद यीशु में सोना क्या धोखे की बात है? ये तो जब आप ये लिखते हैं, दुख तो होता है, अफसोस तो होता है, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा अजीज, मेरा दोस्त, कोई भी हो, जरूरी नहीं कि रिश्तेदारी हो, दोस्त भी हो, दुख तो उतना ही होता है। और उस वक्त हम अपने गुनाहों को याद करते हैं, जितनी देर तक वो मट्टी के अंदर नहीं चला जाता, और वो चंद मिनट की रोशनी होती है, जैसे उस पर मट्टी डाल दी हम कब्रिस्तान से बाहर आके, तो फिर हम उसी तरह तारीकी में चलते हैं। तो ये नहीं, अगर हम ये महसूस करते हैं कि हम वाकई तौबा कर रहे तो फिर रोशनी मिलेगी। और ये बात जैसे कि जब हम ये कहते हैं कि खुदाम यीशु मसीह सो गए, तो इससे बड़ी तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, वो तो बड़ा खुशकिस्मत आदमी है जो खुदाम यीशु मसीह में सो गए, वो तो फरदौस में जा ही जाएगा सीधा। तो हमें जब हम ये कहते हैं कि खुदाम यीशु मसीह में सो गए, तो फिर हमें अफसोस नहीं लिखना चाहिए, हमने खुश होना चाहिए, क्योंकि हमारी ये सफर, इस दुनिया का सफर, ये आरजी सफर है, हमारी असली जगह ऊपर है, जहाँ खुदा बाप और बेटा रहता है, वहां खुदा यीशु मसीह जब आखिरी वक्त में अपने रसूलों को कहा कि मैं जा रहा हूं और मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकाम है, और हमें भी वहां मकाम मिल सकता है अगर हम खुदा यीशु मसीह में सोएंगे, उस डाकू की तरह माफ किए जाएंगे, तो हमें भी खुदा यीशु मसीह कहेगा कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा, लेकिन शर्त रोशनी में चलने की। इसलिए आप जरूर लिखें फेसबुक करके, मेरा भाई खुदा में सो गया है, या अफसोस की बात है, लेकिन जब आप ये लिखते हैं खुदा यीशु मसीह में ये खुदा में सो गए, तो फिर अफसोस की बात नहीं, फिर खुशी की बात है। उसके बाद शहजाद गिल साहब, बहुत अच्छा शेर है और बहुत ही
सच्चा शेर लिखा है, उम्र की सारी थकन लाद के घर जाता हूं, सारी उम्र की थकन जब मैं अपने कंधों पर रख कर घर जाता हूं, रात पर बिस्तर पर बिस्तर पे मैं सोता नहीं मर जाता हूं, क्योंकि इतनी थकन होती है, इतनी थकन होती, सारी उम्र की थकावट या सारे दिन की थकावट भी कह लो, कि एक मजदूर जो भी सारा दिन या कोई ऑफिसर तो दिमाग तो खर्च करता है, चाहे मजदूर है चाहे बड़ी पोस्ट वाले, तो सारे दिन की थकर तो जब घर जाता है तो वो बिस्तर पर गिर जाता है, वो सो, वैसे भी कहते हैं कि सोए और जो मरा वो तो एक बराबरी बात है, लेकिन थकावट इतनी कि मैं जब बिस्तर पर लेटता हूं तो मैं किस्म का मर जाता हूं। इसलिए हम को बहुत सारी अपने बड़ों को, वालदैन को, बड़ों को इज्जत देनी चाहिए, मोहब्बत देनी चाहिए, ताकि वो जिंदगी भर की थकावट जाए वो महसूस ना करें कि हम उनकी इज्जत कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, तो वो जरूर खुशी से सोएंगे और खुदा उनको हम सबको रोशनी में लेके चलेगा अगर हम बड़े की बातों पर अमल करेंगे। बहुत खूबसूरत शेर सर यूसुफ परवाज़ साहब पंजाबी दे दो शेर ने, औखा वेला साढ़े ते औखा वेला तो रहा, क्योंकि असं नेरे च ही चलने तो फिर औखा वेला रहना, जे असी लौ च चलीए रोशनी चलीए तो साढ़े ते औखा वेला, जदों असी समझे कि मैं इंज किया तो औखे असी आपे ही होंगे, अगर असी कहने के मैं इंज कर दिता मैं इंज कर दिता तो असी रोशनी च नहीं तरीके च चलने, तो जेड़ा तरीके च चलता है वह शैतान का दोस्त है, तो फिर औखा वेला तो आना ही आना है वे या मेरे ते या किसी ते भी, औखा वेला टल जाएगा टल सकता है, बिल्कुल सर जी ठीक लिखे, औखा वेला टल जाएगा टल सकता, क्यों नहीं अज नहीं तो कल टल जाएगा, लेकिन टल जाएगा अगर खुदा को तौबा मंगिए सच्चे दिल ना, बिल्कुल सच्चे दिल ना। जैसे मैंने एक शेर पढ़ा था, मैं गुनाहों में ढूंढूंगा मैं जमीन पर हूं गिरा, अगर असी गुनाहों च महसूस करिए कि असी डूबे हैं, ठीक है जिन्नी चे डूबे हैं औखा वेड़ा वे, लेकिन औखा वेड़ा टल सकता है अगर असी अपने गुनाहों तो तौबा कर लीए, ते खुदा नू मान लिए उदे बेटे नू मान लिए कि रोशनी दा दौर है, अंधेरे चो निकल आइए तारीकी चो निकल आइए, ते अपने ओड़क ओड़क मुश्किल अपने ओड़क मुक जाएगा अपने वक्त नाल, ओड़क जेड़ा भी वक्त औखा वक्त है अपने वक्त नाल अपने टाइम नाल मुक जाएगा, कितों कितों तिकर थल जाएगा या चल जाएगा कितों तक चल जाएगा, बिल्कुल आज अगर आज साढ़े ते औखा वेला है तो कल सौखा भी है, लेकिन अगर असी मान च मजबूत है ओदे लई घर बैठे तो नहीं, ओदे लई मेहनत ओदे लई दुआ ओदे लई तौबा बंदगी सब कुछ चाहिए, तो फिर जेड़ा कितों तक वक्त चल सकता है, लेकिन अगर ईमान ते उम्मीद ते भरोसे नाल सब कुछ करिए औखे वेले टल जाते हैं, लेकिन दूसरी गल अगर असी प्यार मुहब्बत इतफाक एक हो के किसी भी औखे वेले नूं टाल सकने हैं, मैं अक्सर एक गल कहना कि अगर असी छे भरा सां पंज रह गए, अगर असी पंज भरा रोज उस दौर च ते 2.5 रुपये दिहाड़ी सी, मैं खुद 2.5 रुपये दिहाड़ी कीती है ठेकेदार दी या मिस्त्री दे मगर, अगर उस वक्त च असी हालांकि छोटे वड्डे पढ़दे भी सी, एक मैं मिसाल देना अगर असी उस वेले 10-15 रुपये भी घर च आ जांदे सन तो बड़ी गल सी, अज दे दौर च 500 रुपया तो मेरे ख्याल मजदूरी मिलदी है या ज्यादा भी, ते अगर असी पंज भरा काम करिए ते 2500 डालर ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ 2500 ਰੁਪਈਆ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਟਲ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸੰਸਨ ਵਾਰਸ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਬੀਆ ਸੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਨਕਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਅਗਾਹੀ ਮੇ ਯਾ ਹਫਤ ਰੋਜ਼ਾ ਅਗਾਹੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਤੇ ਰਹਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਾ, ਜਬੀਨ
अमन से जहां मैं रहूं वो जमीन दे। वो तो जमीन हमारे पास है, खुदा ने आसमान और जमीन बना दिए, हमारे लिए रोशनी भी कर दी, रात भी बना दिए, दिन भी बना दिए, चांद सूरज भी बना दिए, लेकिन हम क्यों तरीके में चल रहे हैं। अमन से जहां मैं रहूं वो जमीन दे, हाकम मेरे मुल्क में सादक और अमीन दे। हमारे महाकम तो जो भी आता है 70-73 साल से, वो अपने आप को सादक और अमीन ही कहते हैं, चाहे वो फौजी जर्नल था, चाहे कोई भी था, चाहे जमहूरियत है। जमहूरियत तो हम अपने घर की लौंडी समझते हैं, आज अगर जेल में हो गए तो जमहूरियत का खतरा, सजा होगी, तो ये हमारी जमहूरियत है, दुनिया की जमहूरियत नहीं है। लेकिन जो गिल साहब ने कह रहे हैं कि वाकई भी हाकम मेरे मुल्क में सादक और अमीन दे दे, कि वाकई जो सादक और अमीन हो वो गुरबत को समझे, गरीबों की इज्जत को समझे, गरीबों से प्यार मोहब्बत करे, तो फिर वो सादक और अमीन हो सकता है। खुली आंखों से देखता नहीं औकात मेरी, खुली आंखों से देखता नहीं औकात मेरी, हथ तुझे देखूं वो मनाजर हसी दे। तू हर वक्त मुझे वो कुछ दिखा, वो रोशनी दिखा, कि मैं तेरे जो मनाजर है वो खूबसूरत हसी देखूं। मनाजर तो हम देख रहे हैं, इससे बड़ी कोई भी दुनिया नहीं है, कोई भी, खुदा को पता है कि कितना बड़ा आसमान, जमीन, सितारे, सियारे हैं और भी की दुनिया, लेकिन हमसे बड़ी खूबसूरत दुनिया, हसीन दुनिया, हम इस दुनिया में रहते कोई भी नहीं। हर सूत जे देखूं वो मनाजर हसीन देखूं, तो गिल साहब खुदा की बरकत है, हम तो आप लीबिया में मनाजर देख रहे हैं, हम अमेरिका में मनाजर, इससे बड़ी खूबसूरती यूरोप में हम लोग बैठे हुए मनाजर, स्वाय अपने मुल्क के हम खूबसूरतियां ही खूबसूरतियां। लेकिन वो क्यों है कि हम अंधेरे से निकलते नहीं, हम ट्रैश उठाते नहीं, कचरा फेंकते दरवाजों के सामने, गंद फेंकते, तो फिर हम रोशनी में कैसे चल सकते हैं। हम तो 100 साल पीछे जा रहे हैं दुनिया से, बल्कि इससे भी ज्यादा दुश्वार हुआ है गुनाह के बोझ से जीना, बिल्कुल। अगर हम ये महसूस करें कि दुश्वार हुआ है गुनाहों से जीना, तो माफ कर दे खुदा है मुझे, मुझे दिली तस्कीन दे, मुझे माफ कर दे और मुझे दिली तसल्ली तस्कीन दे, रोशनी दे, तारीकी से मैं निकल सकूं। दुश्वार हुआ है गुनाहों के बोझ से जीना, माफ कर दे खुदा है मुझे, दिली तस्कीन दे, नेक और बद की पहचान जिनसे मैं सीखूं। बहुत खूब, नेको बात की पहचान तो हमारे सिखाने, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा जो हमें नेको बात की जो पहचान करवाने वाली किताब है, जो मुकद्दस किताब है, जो इलाही का किताब है, जो जाप्ता हयात कलाम है, जो खुदा का और खुदा के बेटे का कलाम, इससे बड़ी और क्या चीज हो तकी हमें नेको बात से पहचान करने वाली। बड़े इलम से मामूर उस्ताद मुझे दे, खुदा से बड़ा या खुदा के बेटे से कोई बड़ा उस्ताद नहीं। हम अगर उसकी ताबीदारी में जाए, तारीकी से निकल सकते हैं, रोशनी से हम दूर, रोशनी में चल सकते हैं, नूर में चल सकते हैं। तशनगी ने कर रखा है बुरा हाल मेरा, तेरी प्यास ने, खुदाबाद जी तेरी प्यास ने मेरा हाल बुरा कर रखा, मुझे पीने के तू खुदा है, आबे नौशीन दे, मुझे पीने को तू खुदा है, आबे हयात जैसी ऐसी कुछ चीज दे दे, मैं पी लू, मेरे गलतियां गुनाह माफ हो जाए, मैं तारीके से निकल कर रोशनी में आ जाऊं, तेरे नूर में आ जाऊं, तेरे बातों पर अमल करने वाला हो जाऊं, तो मैं हर तरह से अमन से रोशनी देख सकता हूं। तुझे सजदा करने को सदा तैयार रहूं, तुझे सजदा करने को सदा तैयार हूँ, वारिस को सजदों की बहुत सुधीन दे। क्या बात है गिल साहब, बहुत खूबसूरत, आपको बरकत दे, और हमें आप वारिस को नहीं, सबको, सब दुनिया को। ये तो शायर अपनी जात के लिए नहीं लिखता, या मैं बोल रहा हूं अपने आप को तो शामिल मैं करना, लेकिन हम सबके लिए, सबके लिए बोलता हूँ, सच्ची
और अच्छी बातें। अगर आप मेरी बातों को छोड़े, गिल साहब की शायरी को छोड़े और जितने लोग हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस पाक कलाम को मान लें, तो सब कुछ अंधेरा दूर, तारीकी दूर, रोशनी ही रोशनी नजर आएगी। उसके बाद शहजाद गिल के 3 बातें जो अशार की सूरत में, कितने तअज्जुब की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। क्यों देते हैं कुत्तों की मिसाल? इसलिए कि वो इंसान का ताबेदार है। इंसान इंसान का ताबेदार नहीं हो रहा, खुदा का ताबेदार नहीं हो रहा, वो तरीकी से नहीं निकल रहा, इसलिए लोग कुत्तों की मिसाल के एक बेजबान और वाकई कुत्ता अपनी जान दे देता है मालिक को बचा ले, तो फिर क्यों ना हम कुत्तों की मिसाल दे। हम इंसानों को इस काबिल होना चाहिए कि हम एक दूसरे की मिसाल दे सके कि मेरे लिए किसी का इंसान ने काम किया था, तो खुदा पर तो मेरा ईमान है कि जो कुछ मैं हूं, जहां हूं, जिस जगह हूं, जो बरकतें फजल है वो तो उसकी मेहरबानी से है। ठीक है, वसीले तो खुदा बनाता है, इस बात को भी नहीं मुनकर होना चाहिए। उसके बाद सानू छड़ के केड़ा हज कीता ही, सानू छड़ के तू केड़ा हज कर लिया, एवं ही अपनी कदर घटाई है। हज ते तू करन चला गया पर तेरी कदर ते नहीं बदी, क्योंकि काम ते तेरे उत्थे ही ने, या ते तू हज करके तौबा कर रहा है, अपने आप नू बदल दिता है, उतो रोशनी चो आके ते तू होर हनेरे चले गए, तू अपनी कदर ही घटा ली अपनी खुद ही। हर शख्स तो फरेब नहीं देता, बहुत अच्छी बात, हर शख्स तो फरेब नहीं देता, मगर अब एतबार जेब नहीं, चूंकि हम बेतबारे हो चुके, हम किसी पे एतबार नहीं कर, क्योंकि हर कोई एतबार तोड़ता है। तो इस बात जैसे गिल सब कह रहे हैं, हर शख्स तो फरेब नहीं, हर शख्स तो झूठा नहीं हो सकता, लेकिन हम इतने मायूस हो चुके कि हम किसी पर एतबार नहीं करते। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए, क्योंकि हमें खुदा ने इस जिंदों की जमीन पर एक वक्त दिया, 70 वर्षीय 80 वर्षीय, जो आखिरी जो उम्र थी वो मूसा को खुदा ने दी। अगर आप पैदाइश की बाब 6 बाब में पढ़े तो वहां जो मूसा की आखिरी उम्र थी 120 थी, वो इस दौर में इससे ऊपर भी जा रहे हैं, लेकिन एक हद तक खुदा ने मुकर्रर कर दिया 120 साल उम्र हुई थी उस वक्त मूसा की। उससे पहले थे बहुत 100-100, 99 साल भी लोग जिए, तो लेकिन जब वक्त हमें जिंदगी ने खुदा ने 70, 80, 100 साल भी दिए, 150 भी दे दिया, जितने भी दे दिया, कईयों को कुछ भी नहीं मिलता, जल्दी चले जाते हैं, तो वो वक्त जो हमें मिला है हमें उसको अच्छी तरह गुजारना चाहिए और खुदा के सामने झुकना चाहिए, तारीकी से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, रोशनी में चलनी, मैं नूर में चलता चलूंगा ये कोशिश करनी चाहिए। यूसुफ गिल योम से बहुत काल मैंने फेसबुक पे भी देखा कि 6 साल हो गए उन लोगों को, हम आज 22 सितंबर पिशावर आल सेंट चर्च में धमाकों की वजह से मुतहद मसीह शहीद हुए थे, उनके लिए अपनी दुआ में याद रखे खुदा बाप जी, और शहीदों को जो उससे धमाके में, जो दहशत गर्दी में, जो शैतान ने काम किया, जो नेरे में लोग चल रहे, जो हूरों के लालच में जिन्होंने ये सारा कुछ कर रहे, उनको कैफरे कदर तक, और उन शहीदों को अपने पास फरदौस में जगह ना करें, और उनके खानदानों को सारी जरूरतें अपने रहम और अपने फजल से पूरी कर, मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। उसके बाद उर्दू गजल बहुत खूबसूरत और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऐन मुताबिक मेरे टॉपिक के, तारीकी से निकले रोशनी में आए, तो वो शख्स मैं जिससे मोहब्बत नहीं करता, वो शख्स के मैं जिससे मोहब्बत नहीं करता, हंसता है मुझे देख के नफरत नहीं करता। क्यों हंसता है?
क्योंकि उसको सख्त पसंद ही नहीं, उसको मोहब्बत पसंद ही नहीं, उसको इज्जत रास ही नहीं आती, तो फिर वो क्या करता है, उस मोहब्बत करने वाले को जो दुनिया से या किसी से भी प्यार करता है, तो फिर लोग क्या है, वो अंधेरे में है और उस पे हंसते हैं, पकड़ा ही गया हूं तो मुझे धार पे खेचो। एक मैं आज बात सोच रहा था, कदम ये सुमसी की मौत जो स्लीप पर, जो धार पर हुई, पता नहीं पुराने जमाने से लेकर आज तक भी मसीहा का नाम दिया जाता है, उस धार का नाम दिया जाता है। तो जब हर कोई गैर कौम में भी उस धार को याद करती, तो हम क्यों नहीं करते, हम उस धार के नीचे क्यों नहीं आते, हम उस खून के नीचे जो उस धार पर बहाया गया था, हम उस खून के चंद कतरे अपने अंदर क्यों नहीं डालते कि हम बिल्कुल तरीके से निकलकर उस पाखून की वजह से रोशनी में आ जाए। पकड़ा गया हूं मुझे दार पे खेचो, सच्चा हूं मगर अपनी वकालत नहीं करता। और वाकई जो सच्चा होता है वो अपने आप को साबित नहीं करता, झूठा अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश, लेकिन जो सच्चा है वो अपनी बात पे पक्का है कि मैं सच्चा हूं, मैं तारीकी में नहीं, मैं खुदा के नूर में हूं। तो इसलिए सच्चे आदमी को गवाहियां देने की जरूरत है, जैसे खुदा यीशु मसीह को क्या गवाही देने की जरूरत है, वो तो खुदा का बेटा है, खुद बजाते खुद ही अपनी गवाही है। और इसलिए सच्चाई को किसी गवाही की जरूरत नहीं, झूठे आदमी को या झूठ को बहुत सारे गवाहों की साबित करने की जरूरत होती है। क्यों बख्श दिया मुझसे गुनाहगार को मोहलत, क्यों बख्श दिया, मैं तो गुनाहगार था, मैं इस काबल ही नहीं था, तो तू मुझे बख्श देता, मैं तो इस काबल था कि तू मुझे जहन्नम में लेके जाता। मुफ्त मुसन्नफ तो किसी भी रियायत नहीं करता है। वाकई अगर खुदा सच्चा, उससे बड़ा मुसन्नफ तो हो ही नहीं सकता, उससे बड़ा जज, लेकिन वो इतना बड़ा जज है कि हमारे गुनाहों को वो देख लेता, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या वजह हुई, क्यों सरजद हुआ ये गलती, तो फिर वो माफ कर देता है और वो महसूस कर लेता है, क्यों बख्श दिया मुझे गुनाहगार को मौला, क्यों बख्श दिया, मैं तो इतना गुनाहगार था। लेकिन कतील शिफाई का फिर भी ईमान मजबूत है कि क्यों बख्श दिया मुझे, लेकिन खुदा ने जरूर बख्श देता है। भूला नहीं मैं आज भी अदाबे जवानी, भूला नहीं मैं आज भी अदाबे जवानी, मैं आज भी औरों को नसीहत नहीं करता। बिल्कुल, ज्यादातर तो आजकल नसीहत कम कर ज्यादा करते हैं और अपने आप को अंधेरे में रहते हैं और दूसरों को कोशिश करते हैं कि वो रोशनी में है। जब तक आप खुद गुड़ खा रहे हो, जब आप गुनाह कर रहे हो, लोगों के सामने सब कुछ करते हो, तो फिर औरों को नसीहत करने का फायदा, और वो यही कह रहा है, भूला मैं, भूला नहीं मैं आज भी दाबे जवानी, मैं आज भी औरों को नसीहत नहीं करता, क्योंकि जो अच्छे लोग, सच्चे लोग, खानदानी लोग हैं, वो नसीहत नहीं करते, वो अपने अमलों से नसीहत करते कि देख लो मैं क्या हूं, या जैसे भी खुदा की बातों पर अंधेरे से निकले रोशनी में आए, इंसान ये समझे कि यह दफन खुदा है, क्या बात है, कतील शिवाय क्या बात है, खुदा के पास चला गया, लेकिन जरूर अच्छा काम करके गया, अच्छी शायरी करके गया, अच्छे जो लोग उसको मानते थे, इंसान ये समझे कि खुदा यहाँ दफन, ऐसे मजारों की ज्यारत ने, ये उन लोगों के लिए किया जिनने, हमारी मसीही कौम भी है जो मजारों पे जाते हैं कि शायद यहाँ खुदा दफन है, खुदा तो दफन नहीं, जो खुदा का बेटा दफन हुआ वो भी जिंदा होके चला गया और कब्र आज भी खाली है, हम मजारों पे जाके समझेंगे कि यहाँ खुदा दफन है। और हम एक तो कहते हैं कि हम खुदा को मानते हैं, मजारों पे जाते हैं, कब्रों को भी पूजते हैं, दिए भी जलाते हैं, सारे काम दिन रात करते हैं, तो फिर यही वो कह रहे हैं कि इंसान ये समझे कि यहाँ दफन खुदा है, मैं ऐसे मजारों की मैं ऐसे मजारों पे ज्यारत नहीं करता है जहाँ लोग समझते कि यहाँ खुदा दफन है। दुनिया में दुनिया दुनिया में इससे मुनाफिक नहीं कोई, ये बहुत बड़ी बात, और ये शेर मैं अपने मसीही कौम के लिए बोलता हूँ, दुनिया में इससे मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता।
आज भी इमरान खान कह रहे थे कि हमारे मुल्क में जो मसीही या अकलियतें हैं सब उसमें शामिल, बिल्कुल आजाद है, लेकिन इस आजादी के लिए हम, वो तो कहते हैं ज्यादा, लेकिन हम आजादी लेते क्यों नहीं है, हम आजादी मांगते क्यों नहीं, हम अपना खा क्यों नहीं मांगते। हालांकि हमसे पीछे जो कम लोग है, सिखू सिख हिंदू, उनकी इज्जत ज्यादा है, पारसियों की इज्जत ज्यादा, जो आटे में नमक के बराबर, उनकी इज्जत ज्यादा है। हम कहते हैं जी हम तो बड़े करोड़ों में, लेकिन हमारी इज्जत क्यों नहीं कि हम अपना हक नहीं मानते। लोगों को इतनी जल्दी माफ कर दिया करो, लोगों को इतनी जल्दी माफ कर दिया करो जितनी जल्दी तुम अल्लाह से उम्मीद रखते। क्या बात, बहुत खूबसूरत, हासले गजर शेर। हम ये तो माफ चाहते हैं कि खुदा हमें माफ करे, और लोग जो मेरे मुखालिफ हैं या मेरे मुतलक बुराई सोचते हैं या वाकई मैंने किसी को गलत काम किए तो मुझे नहीं माफ करते, वो खुद चाहते हैं कि मैं जो गुनाह कर चुका वो मुझे अल्लाह माफ। लेकिन जब तक हम अंधेरे से निकल कर रोशनी में नहीं आएंगे, इंसान को इंसान नहीं समझेंगे, अपने आंख छोटे से अपनी आंख शतीर को नहीं देखेंगे, तो फिर हम कैसे किसी को माफ करें। हमने पहले अपनी आंख शतीर को देखना चाहिए। तो जैसे कि ऊंट का सुई से, सुई के नक्के से गुजर जाना बहुत आसान है, लेकिन खुदा के जो जिस तरह जन्नत में जाना उतना ही मुश्किल होगा। और हम जबानी कहते हैं, मैं भी कह रहा हूं, सब कहते हैं, लेकिन हम इन बातों पे अमल नहीं करते। और यही वजह है कि हम आज तक अंधेरे में चल रहे हैं, और यही मेरा टाक है कि हम तारीकी से निकले और रोशनी में चले। खुदा सबको बड़ी बरकत दे, खुदा पाकिस्तान में अमन और सलामती पैदा करे। हमने अपने मसीही कौम के लिए कि इनको भी कोई ना कोई ऐसा खूबसूरत सच्चा और अच्छा लीडर दे जो इनको लेकर चलने वाला हो, जो इनके इनको सच्चाई की आगाही देने वाला हो, अपना हक मांगने वाला दे कि जो वाकई इनको बताए कि हम हक कैसे मांग सकते हैं। और हम भी मसीही कौम एक कट्ठे होकर किसी को माने, अगर हम खुदा को नहीं मान रहे तो हम इंसान को क्या मानेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने अंधेरे से निकलकर रोशनी में चलना होगा, तो फिर खुदा भी हमारे साथ होगा। खुदा सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।